हेलो एवरीवन, वेलकम टू जी सेंट्रिक। और आप सबका प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रहा होगा। अप्रैल का मंथ आधा बीत चुका है और टाइम धीरे 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 धीरे, ये जो समय है ना, ये इस रफ्तार से भागता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आप सभी का प्रिपरेशन अच्छा चले ऐसी मैं कामना भी करता हूँ। और आप में से बहुत सारे लोग अच्छा तैयारी कर भी रहे होंगे, बहुत कुछ कर रहे होंगे। जो मैंने प्लान बताया है अप्रैल से लगा के गेट 23 तक कैसे प्लान करना है, उसको एग्जीक्यूट भी कर रहे होंगे। बट एक मेजर प्रॉब्लम अभी आ रहा है बहुत सारे स्टूडेंट के साथ में, क्योंकि अब आपके कॉलेज घर से नहीं चल रहे हैं, अब आपको फिजिकली कॉलेज जाना पड़ता है। तो एक क्वेश्चन बहुत सारे स्टूडेंट के मन में है, और अब क्योंकि पिछले 2 साल से कॉलेज नहीं लगे हैं, घर पे एक कंफर्ट जोन में बैठे हुए थे, तो इस वजह से स्टूडेंट्स को ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है कि अपनी गेट की तैयारी और कॉलेज को कैसे मेंटेन करें। कॉलेज भी जाना है, अटेंडेंस भी मेंटेन रखना है, और गेट की तैयारी, इन दोनों को कैसे मेंटेन करें, यह सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो आज इसी के ऊपर मैं छोटा सा डिस्कशन लेके आया हूं आपके सामने। तो सबसे पहली चीज कि कई बार स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि यार कॉलेज पे ध्यान नहीं देंगे तो पॉइंटर्स कम हो जाएगा, रिजल्ट खराब हो जाएगा, तो फिर दिक्कत आएगी आगे। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपका जो CGPA होता है, अगर 5 पॉइंटर कम भी हो जाए ना, और उसके एवज में अगर हमें गेट एग्जामिनेशन में 10 नंबर एक्स्ट्रा स्कोर करने का मौका मिल रहा है, क्या बोल रहा हूँ, 5 पॉइंटर अगर हम सेक्रीफाइस करके अगर 10 नंबर गेट एग्जामिनेशन में बढ़ा लेंगे, तो वो ज्यादा मायने रखता है, ज्यादा इम्पोर्टेंस रखेगा फ्यूचर में। क्योंकि गेट में 10 नंबर ज्यादा वाला कैंडिडेट, 40 से 50 नंबर, 50 से 60 नंबर वाला कैंडिडेट कम देखने को मिलेगा, बट 9 पॉइंटर, 8.5 पॉइंटर CGPA वाले गली गली में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो पहली चीज 5 पॉइंटर का सेक्रीफाइस करना पड़े अगर 10 नंबर लेने में गेट एग्जामिनेशन में, तो करिए, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं बात करूं ना आपको, देखिए अभी आप सेकेंड ईयर में होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट हमारे जी सेंटर से जुड़े हुए जो सेकेंड ईयर से तैयारी चालू कर रहे हैं, तो रिजल्ट के नाम पे काफी डराया जाता है। बट मैं फ्रेंकली बोलूं तो CGPA आपका 7 के ऊपर अगर है तो दैट इज फाइन, फिर आप 7.5 बनाओ, 8 बनाओ, 8.5 बनाओ, 7 के ऊपर अगर आपने मेंटेन कर लिया सेकेंड ईयर में भी, तो आपको लास्ट 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में जाते जाते आपका CGPA ठीक ठाक 8 के अराउंड आ जाता है, और वो ओके है। 7 के ऊपर 7.1 हो, 2 हो, 3 हो, जो भी हो, सब कुछ बढ़िया है। ठीक है, तो पहले मैं 6.5 बोला करता था, आप 7 बोल रहा हूं, क्योंकि CGPA का कहीं ना कहीं थोड़ा सा 7 की लाइन में होंगे तो एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट पड़ता है अच्छे स्टूडेंट के कैटेगरी में। ठीक है, तो 7 के ऊपर रखिए, बाकी हमें 9 तक नहीं जाना है, गेट के ऊपर फोकस करिए। दूसरा चीज है, दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट खत्म हो गया, सेकेंड पॉइंट बहुत सारे स्टूडेंट के दिमाग में होता है कि सर कॉलेज के सब्जेक्ट को कैसे करें, गेट के सब्जेक्ट को कैसे मेंटेन करें, पहले कॉलेज का पढ़ें कि गेट के सब्जेक्ट पढ़ें। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, पूरी इंजीनियरिंग में 8 सेमेस्टर होते हैं आपके, 8 सेमेस्टर में से अगर एक सेमेस्टर में हम लोग 5 सब्जेक्ट की बात करें तो तकरीबन 40 सब्जेक्ट के अराउंड आपको होते हैं, और गेट एग्जामिनेशन में आपको 12 से 13 अगर उनको टुकड़ों में भी देख ले, जैसे मशीन 1 मशीन 2 2 सेमेस्टर में आता है, यहाँ पे एक सिंगल मशीन है, पावर सिस्टम 1 2 3 इस तरीके से चलता है, तो मोटा मोटी आपके 12 13 14 सब्जेक्ट होते हैं, 12 to 13 सब्जेक्ट आपको गेट एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। बट सेमेस्टर में कॉलेज में पूरी इंजीनियरिंग में आपको सब्जेक्ट्स ज्यादा होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, देखिए मैं आपको बताता हूं, ऑन एन एवरेज सभी ब्रांचेस में 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, मतलब कि सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के ही सब्जेक्ट मेजोरिटी गेट के सिलेबस में होते हैं। इक्का दुक्का कोई सब्जेक्ट होगा जो 7th या 8th सेमेस्टर का होगा, अदरवाइज 90% जो सिलेबस है वो आपका, जो गेट का जो 90% सिलेबस है वो आपका 3rd सेमेस्टर 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर, ये 4 सेमेस्टर के ही अराउंड घूमता है। और इन सेमेस्टर में भी सारे सब्जेक्ट नहीं, आप सपोज करिए अभी 2nd सेमेस्टर में होंगे या 3rd सेमेस्टर में या 4th या 5th या 6th जिसमें भी होंगे, उसमें आपको 5 सब्जेक्ट होंगे अगर एक सेमेस्टर में, तो उसमें 2 से 3 सब्जेक्ट आपके गेट के कॉमन होंगे और 1 या 2 सब्जेक्ट आपके गेट में नहीं होंगे। तो आपको करना कैसे, पढ़ाई कैसे करना है, आप जी सेंटर के एप्लीकेशन पे हर एक इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी अवेलेबल है आपके साथ में, फुल कोर्सेज भी अवेलेबल है। तो आपको करना क्या है, अब जब सेमेस्टर में गए 5 सब्जेक्ट है तो उसमें पहले टिक कर लो, पहले सिलेबस को उठाओ गेट का, कि 3 सब्जेक्ट कौन से गेट में पूछे जाते हैं, उन 3 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार करो। उससे क्या होगा, आपका सेमेस्टर भी कवर हो जाएगा और आपका गेट का तैयारी भी हो जाएगा, दोनों साथ में हो जाएगा, डबल मेहनत नहीं करना पड़ेगा। और जो बचे हुए 1 या 2 सब्जेक्ट है तो उसमें अब आपको थोड़ी सी मास्टरी आ चुकी होगी कैसे पास करना है इंजीनियरिंग,
तो वो एक या दो सब्जेक्ट जो आपके गेट के सिलेबस में नहीं है उनमें आप एक यूनिट, दो यूनिट या तीन यूनिट तैयार करके जा सकते हैं। उसको पूरा सब्जेक्ट तैयार करने की जरूरत नहीं है, दो तीन यूनिट तैयार करिए, बाकी दो तीन यूनिट आपको लिखते आ गया होगा। अब यूनिवर्सिटी के पेपर कैसे देते हैं, इतने लाखों इंजीनियर पास हो रहे तो आप भी पास हो ही जाएंगे। तो मेरा मानना है कि आपके जो सेमेस्टर के अंदर पांच सब्जेक्ट होते हैं उसमें से जो गेट के सिलेबस में है उन पे बहुत ज्यादा फोकस करिए। इंडिविजुअल सब्जेक्ट जी सेंटर का एप्लीकेशन पर हर एक सब्जेक्ट इंडिविजुअली अवेलेबल है, इसीलिए किया है ताकि आप अपने कॉलेज के साथ में तैयारी कर सके, ठीक है। और इस तरीके से आपका तीनों सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का जर्नी खत्म हो जाएगा। तीसरा एक और पॉइंट है, मैं भूल रहा हूं, मेरे पास लिखा हुआ है। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि सर कितने घंटे पढ़ाई करें कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो इस पे मेरा आंसर होगा कि अगर आप 10 घंटे भी पढ़ाई करते हैं तो कोई गारंटी नहीं है सिलेक्शन हो जाए, और अगर आप 2 घंटे पढ़ाई करते हैं तो हो सकता है सिलेक्शन हो भी जाए। तो नंबर ऑफ आवर्स मैटर नहीं करते हैं, आप उस नंबर ऑफ आवर्स में कितना पढ़ाई कर रहे हैं, कितना इफेक्टिवली उसको यूज कर रहे हैं, ये डिपेंड करता है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अभी अगर अप्रैल मई के मंथ में आप बैठे हुए हैं तो आपको 3 से 4 घंटे, 4 घंटे पकड़ लीजिए, 3 से रेंज में भी नहीं जाते, 4 घंटे आपको इफेक्टिव पढ़ाई करनी है। इफेक्टिव मतलब कि उन 4 घंटे में तन मन धन सबसे पढ़ाई करनी है आपको, आपका दिमाग तो आपका ध्यान एक ही जगह होना चाहिए। आप क्वेश्चन ये उठता, अच्छा और एक और बात है, कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ऐसा नहीं होगा 2 दिन पढ़ लिया 4 घंटे, सर ने बोला था कि 4 घंटे डेली पढ़ो, एक दिन चलो बर्थडे मना लेते हैं दोस्त का, फिर आ गए कि चलो सर का एक दिन वेस्ट हो गया था तो आज 8 घंटे पढ़ाई कर लेते। ऐसा नहीं करना, 4 घंटे मतलब 4 घंटे है ना, वो 4 घंटे पर डे का उसी दिन काम करेगा। ऐसा नहीं कि आपने 3 दिन का इकट्ठा कर लिया और 12 घंटे एक दिन पढ़ाई कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा, नहीं तो मोमेंटम खराब होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, 4 घंटे इफेक्टिवली पढ़ाई करना है। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर ये 4 घंटे लाएंगे कहां से, आप स्टूडेंट एज ए स्टूडेंट होते ना तो हमारे दिमाग में ऐसा चलता है कि चलो कॉलेज जा रहे हैं, अभी कॉलेज के लिए तैयार हो रहे, कहां है पढ़ाई का टाइम मिलेगा, कॉलेज में होके आ गए, कॉलेज घूम के भी आ जाओगे, थकावट हो जाती है साइकोलॉजिकली, घर आए फिर स्टूडेंट ये सोचता है कि 3-4 घंटे जो है ना वो ऐसे मिलेंगे हमें कि बढ़िया से टाइम निकलेगा, टेबल सजेगी, चेयर सजेगी, पानी की बॉटल रखेंगे, फोन स्विच ऑफ करेंगे और फिर हम पढ़ाई करेंगे, तब तो आपको टाइम नहीं मिलने वाला है। आपको अपनी कॉलेज लाइफ में ये जो 4 घंटे बता रहा हूं ना इसको चुराना पड़ेगा, आपके 24 आवर्स के जो शेड्यूल है उसमें से आपको चुराना पड़ेगा। कैसे चुराना है आपको, आप कभी भी 4 घंटे एक साथ हो सकता टाइम नहीं दे पाएंगे कॉलेज ड्यूरेशन में, क्योंकि बहुत सारा काम होता है, थकावट भी होती है, एनर्जी भी नहीं रहती है। जब भी आप कॉलेज जाते हैं तो आप सुबह जल्दी उठने की कोशिश करिए, 1 से 1.5 घंटे का पढ़ाई सुबह निपटा लीजिए, फिर कॉलेज से आने के बाद 2 से 2.5 घंटे का पढ़ाई आप तब निपटा लीजिए, और जब कॉलेज में है तब आप रिवीजन पे फोकस करिए। क्योंकि कई बार जैसे कुछ लेक्चर लगते हैं हमारे 50 मिनट के लेक्चर होते हैं, उसमें 10 मिनट अटेंडेंस भी होती है, उस अटेंडेंस के दौरान हम लोग इधर उधर की फिजूल बातें करते हैं, वो फिजूल बातें नहीं करना। हर एक लेक्चर का 5 या 6 लेक्चर होते होंगे, एक लैब भी होती होगी आपके, उसमें लैब में हार्डली 1.5 घंटे का काम होता है, बाकी टाइम आप बैठे रहते हैं। जब अटेंडेंस हो रही होती हर लेक्चर में 10-10 मिनट अगर आप चुराएंगे तो आपके 5 लेक्चर से अगर देखेंगे तो 50 मिनट आपको काम आएगा। ये एक्सपेरिमेंटली मैंने किया है अपने कॉलेज ड्यूरेशन में, आप भी करिए। टाइम ऊपर से नहीं टपकेगा, आसमान से नहीं आएगा, आपको यही इसी छोटी छोटी चीजों से टाइम निकालना पड़ेगा, चुराना पड़ेगा। तो हर लेक्चर के जब अटेंडेंस ले रहा है कोई फैकल्टी तो उस ड्यूरेशन में अपना एक कॉपी रखिए, उस कॉपी के पेज पलटाते जाइए जस्ट फॉर रिविजन, स्कैनिंग कर रहे हैं आप, है ना, नजरें भी जाती जाएगी आपकी, आपकी नजरें भी किसी कॉन्सेप्ट पे पड़ जाएगी तो आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट रिवाइज होने लगेगा। आप हर एक लेक्चर के अटेंडेंस वाले टाइम, कोई लेक्चर अगर सिस्टमेटिक तरीके से बंक करके उसको यूटिलाइज कर सके तो वो करिए, लाइब्रेरी वाला जो टाइम होता है उसमें यूज करिए, साथ में कोई लैब वाला ड्यूरेशन है जिसमें 1.5 घंटे में काम हो गया तो बचा हुआ टाइम वहां पे यूज करिए। तो यही अगर आपका कॉलेज दूर है और बस से या किसी व्हीकल से जा रहे हैं जहां पे आप अपना कॉपी से पलटा सकते हैं बस के अंदर बैठे हुए, तो वो टाइम चुराइए। इन्हीं छोटे छोटे टाइम को हम वेस्ट करते रहते हैं और इंतजार में लगे रहते हैं कि एक टाइम आएगा 3-4 घंटे का सिटिंग देंगे और फिर पढ़ाई होगी, तब तो पढ़ाई होने से रही। ये ट्रूथ है, मैं थोड़ा कड़वा बोलता हूँ, सच्चाई से रूबरू ज्यादा करवाता हूँ, क्योंकि मेरा इंटेंशन वही होता है कि आपको ओरिजिनलिटी बताऊं, फर्जी मोटिवेशन से सिलेक्शन होना नहीं है। एंड ऑफ द डे आपको 3 घंटे के अंदर क्वेश्चन करना है,
ठीक है। तो जी सेंटर के एप्लीकेशन से पढ़ रहे हैं अगर आप लोग, तो हमने बहुत ही इफेक्टिव कंटेंट बनाया है। आपके आधे घंटे के स्लॉट में भी एक लेक्चर आपका फिनिश हो जाएगा। साइकोलॉजिकली बहुत बहुत मेंटली स्ट्रांग करता है वो एक लेक्चर खत्म होना। जब भी हम तीन या चार लेक्चर खत्म करते हैं ना, तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस आता है। चार पांच क्वेश्चन जब आप करते हैं ना, तो अलग लेवल का कॉन्फिडेंस वो फील करते हैं। उसको मैं बातों से बयां नहीं कर सकता, वो आप समझ सकते हैं क्योंकि मैंने वो फील किया है। जिस दिन पढ़ाई नहीं करते तो जो गिल्ट होता है ना, वो भी फील करते हैं स्टूडेंट। तो प्लीज मेरी आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जो समय है ना, इसका यूटिलाइज बहुत अच्छे से करिए। रिजल्ट जो होगा वो देखा जाएगा। आप अपने हर एक सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से 100% यूटिलाइज करते हुए आगे बढ़िए। हर सेमेस्टर में तीन सब्जेक्ट जो गेट में है उस पर फोकस करिए। दो सब्जेक्ट को पार्ट टाइम फटाफट करके टाइम पास करके उसको निकाल दीजिए, उस पर बहुत ज्यादा ध्यान मत दीजिए। और कॉलेज के CGPA से मत डरिए, 7 के ऊपर आपका गिरते पड़ते बन ही जाएगा। बहुत वर्स्ट सिचुएशन होगी तो ही 7 के नीचे जाओगे, अदरवाइज आपके 7 सेमेस्टर 8 सेमेस्टर में भर भर के नंबर मिलते हैं, पूरा बैलेंस हो जाता है। ठीक है, तो आप सभी को शुभकामनाएं। आप बहुत सारे स्टूडेंट का ये था कि सर क्या हम अभी से 3-4 घंटे की पढ़ाई करें तो कर पाएंगे कि नहीं, तो ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया कि आप डेफिनेटली कर लेंगे। क्योंकि गेट का तैयारी सिस्टमेटिक तरीके से करें तो 6-7 महीने 8 महीने से ज्यादा का टाइम नहीं मांगती है। बट शर्त है आप प्रॉपर सोर्स से पढ़ रहे हैं, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से पढ़ रहे हैं और रिविजन बहुत अच्छे से कर रहे हैं। तो कॉलेज ड्यूरेशन में रिविजन करिए, सुबह का 2 घंटा, शाम को 2-2.5 घंटा, 4 से 4.5 घंटे का टाइम निकाल लीजिए। इससे ज्यादा की जरूरत नहीं, बस कंटिन्यूटी में होना चाहिए। ठीक है, तो जितने भी ये लोग वीडियो देख के तैयारी चालू करेंगे तो मेरी सभी से शुभकामना। रिजल्ट वाले दिन डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ मिलेगा यहाँ से, ठीक है, और बहुत अच्छा रैंक लेके आ जाओगे। तो ये जो टाइम है इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आएगा, है ना। आज ये मैं वीडियो बना रहा हूं तकरीबन 19 अप्रैल 2022, ये डेट वापस कैलेंडर में रिपीट नहीं करेगी। 19 भी करेगा, अप्रैल भी करेगा, बट साल दूसरा होगा। और हो सकता है उस साल में हमारी तकदीर ऐसे भी हो सकती है और ऐसे भी हो सकती है, डिपेंड करेगा आपके हार्डवर्क से। तो मेहनत करिए, ईमानदारी से मेहनत करिए, जो होगा मुकद्दर में लिखा है, जो होना ही है होगा, और अगर मेहनत करेंगे तो उसके साथ में फल जुड़ा हुआ है। ठीक है, ओके, थैंक्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर यूर प्रिपरेशन। और कॉलेज और गेट को, गेट के प्रिपरेशन को अच्छे से मेंटेन करिए। मेरी जो टिप्स है कुछ काम आएगी आपको और मजा आएगा। कॉलेज के प्रोफेसर से डरना नहीं है, वो डराते हैं ये हो जाएगा, सेशनल कम दे देंगे, वो दे देंगे। हर चीज को मेंटेन करना ये भी एक अपने प्रिपरेशन का आर्ट है ना। और प्रिपरेशन बहुत कुछ डिसिप्लिन सिखाती है हमें, डिसिप्लिन जिंदगी में भी बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, ओके, थैंक यू।